हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज खमन बनाते हैं तो इसके लिए मैंने ले लिया है चने का आटा। उसमें डाली है 2.5 चम्मच जितनी ये मैंने शुगर डाली है, चीनी। चीनी डालने के बाद मैं इसमें अभी डाल रही हूँ नींबू के फूल। जो नींबू के फूल आते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं, हम लोग नींबू के फूल बोलते हैं, तो वो मैंने डाले हैं। जितनी चीनी डाली है उसी प्रमाण से मैंने नींबू के फूल भी डाल दिए हैं। और उसमें थोड़ा सा, देखिए, मैंने 1/2 चम्मच जितना मैंने ये नमक डाल दिया है अभी। और नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें मिलाना है। बस ऐसे ही हमें बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है। और मिलाने के बाद हमें इसमें अभी पानी डालना है। तो हमें पानी डालने के बाद जिस तरह से हम लोग भजिए का जो घोल बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें ये घोल बना लेना है। तो ये देखिए, ये मैंने अभी घोल बना लिया है और ये हमें 15 मिनट तक रखना है। 15 मिनट के बाद ये देखिए, मैंने यहाँ पर इनो ले लिया है। 15 मिनट हो चुके थे रखे हुए, मैंने इनो ले लिए। मेरे पास डब्बी है तो मैं ये डब्बी से में से मैंने इनो इतना निकाल लिया है। आपके पास पाउच हो तो एक पाउच आप डाल सकते हो। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर और इसमें घोल में मैंने डाल दिया है। और घोल को मैंने अच्छी तरह से हाथों से मिला लिया है। इतनी अच्छी तरह से हमको मिलाना है जिस तरह से आप केक का बैटर बनाते हो उसी तरह से। और ये देखिए, ये केक बनाने का जो टिन आता है वो मैंने ले लिया है। उसमें मैंने ऑयल ये लगा लिया है। अच्छी तरह से सारी जगह पर हमें ऑयल लगाना है। और ये मेरा कुकर है, जो ढोकला हांडवा जो हम बनाते हैं वो इडली, ये उसका कुकर है। मैंने उसमें अभी ये डाल दिया है। और एक तरफ देखिए, ये मैं बना रही थी खाना अपने लिए, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का मंगलवार है तो मैंने रोटी बची थी। तो ये रोटी का मैंने इस तरह से खट्टा बना लिया रोटी तोड़कर। और ये थोड़ी सी इसमें मैंने चीनी डाली है मेरी बेटी के लिए, और मेरे में मैंने नहीं डाली थी इसलिए मैंने अलग निकाल लिया था। और देखिए, ये मेरा जब तक जो घोल मैंने जो बनाने के लिए रखा है खमन, वो तैयार होता है तब तक मैंने वो पानी ले लिया था चीनी वाला। और ये देखिए, मेरा खमन तैयार हो चुका है। अब इसे हमें रखना है 5 मिनट तक। ये खमन बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया है, लेकिन 5 मिनट तक हमें इसे रखना है। और रखने के बाद देखिए, ये मैंने पीस कर लिए है अभी, तो कितना अच्छा स्पॉन्जी ये खमन बना है। और यहाँ पर जो मैंने चीनी का घोल बनाया था ना, वो फिर पहले मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें थोड़ी सी मैंने राई डाल दी, उसमें मिर्ची, हरी मिर्च डाली, और वो जो घोल बनाया था वो पानी वाला चीनी वाला वो मैंने उसमें डाल दिया। और थोड़ी देर मैंने उसे पकने दिया, गैस पर रख दिया और ये तड़का बना दिया। देखिए, इस तरह से मैंने ये तड़का उस इस पर लगा लिया है। इस तड़के को भी हमें कितनी देर, 5 मिनट तक रखना है, तो अंदर तक सारे खमन में वो अंदर पहुंच जाएगा। तब तक के लिए हमें रखना है 5 मिनट तक और फिर हमें खाना है। तो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कर लीजिए।